मप्र राज्य शिक्षा केंद्र नवीन आदेश अत्यावश्यक। मप्र के समस्त जिलों के शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण। सब्सक्राइब कीजिए अमेजिंग स्मृति को, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट एमपी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। राज्य शिक्षा केंद्र, पुस्तक भवन, बी विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल 4,62,011। अत्यावश्यक। क्रय राशि के पापो FLN 2021-4104 प्रति 1, प्राचार्य डाइट DRC भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2021। 2, जिला परियोजना समन्वयक, जिला समस्त मा प्र, जिला समस्त मा प्र, विषय अभ्यास पुस्तिका प्रयास एवं दक्षता उन्नयन पर YouTube लाइव के माध्यम से शिक्षकों, जिला व विकास खंड के अधिकारियों का दिनांक 10 अगस्त 2021 को उन्मुखीकरण में उपस्थित रहने विषयक। विषयांतर्गत लेख है कि COVID-19 के कारण प्रदेश की शालाएं बंद हैं। उक्त परिस्थितियों में बच्चों द्वारा घर पर रहते हुए सीखने की प्रक्रिया को निरंतर रखने की दृष्टि से प्रारंभिक गतिविधियों, विषय के प्रति रुचि को दृष्टिगत रखते हुए तथा मूलभूत दक्षताओं पर कार्य करने हेतु राज्य द्वारा तैयार की गई व उपलब्ध कराई गई अभ्यास पुस्तिकाएं क्रमशः प्रयास व दक्षता उन्नयन पर शिक्षकों, जिला व विकास खंड के समस्त अकादमिक अमले का उन्मुखीकरण दिनांक 10 अगस्त 2021 को दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक किया जाना है। उक्त उन्मुखीकरण में कृपया जिले की डाइट एवं जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय के समस्त अकादमिक स्टाफ BRC BAC जन शिक्षक एवं प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं में पदस्थ समस्त शिक्षक अनिवार्य रूप से उक्त उन्मुखीकरण में उपस्थित रहने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्रदाय करें। उक्त उन्मुखीकरण में प्रदाय की गई सामग्री का समुचित उपयोग बच्चों द्वारा कैसे किया जाएगा व घर पर रहते हुए हमारे शिक्षक साथी बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में कैसे सहयोग कर सकते हैं पर उन्मुखीकरण किया जाएगा। जिलों के उन्मुखीकरण के उपरांत अपेक्षा है कि डाइट व जिला द्वारा प्रत्येक विकास खंड के माध्यम से एक दिवसीय उन्मुखीकरण ऑनलाइन सुविधा वाले अभिभावकों के साथ ऑनलाइन व स्मार्टफोन की सुविधा न होने पर शिक्षकों के माध्यम से गृह संपर्क के द्वारा बच्चों व पालकों का मार्गदर्शन किया जाना है। अतः जिलों के उन्मुखीकरण उपरांत सुनिश्चित करें कि प्रत्येक विकास खंड में बच्चों व पालकों के साथ जिला उन्मुखीकरण के उपरांत 3 दिवस में सुनिश्चित कराएं। उक्त कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता का है। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल, भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2021।